उसी नक्शे कदम पर मैं भी कार्य करती हूँ कि दुनिया में माँ से और पिता से बढ़कर के कोई नहीं होता। माता और पिता के चरण में अपने सर को झुकाता है, उसकी सर कहीं नहीं झुकती। सन ऑफ बिहार सुना होगा, लेकिन मैं इनको मानता हूँ मदर ऑफ बिहार। लौह माता स्वर्गीय जगमाता देवी जी की 12वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। आज ही के दिन माता जी इस धरा को छोड़ के स्वर्ग लोक में सिधारी थी, और उनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हम लोगों ने पहले रुद्राभिषेक करके पूजा अर्चना की, उसके बाद मल्यार्पण और श्रद्धांजलि सभा की। लेकिन माता जी के आशीर्वाद से ही हम लोग नित्य प्रतिदिन उनके जो इस सिवान जिले के प्रति सोच थी, ये चौड़ी क्षेत्र के लोगों के प्रति जो सोच थी कि हम इसको विकसित बनाएंगे और सभी को साथ लेकर चलेंगे, उनके ही बताए गए कार्यों को मैं तो उन्हें नहीं देखूं, लेकिन उन्होंने अपने परिवार के लोगों को यह सीख दी और उसी नक्शे कदम पर मैं भी कार्य करती हूँ। सभी को चाहती हूँ कि जैसे माता जी प्रेम से स्नेह बांट के सभी के विकास के लिए कार्य करती थी, वैसा ही मैं करती रहूँ। आज माता जी के 12वीं पुण्यतिथि, 12 साल हो गए हम लोगों को छोड़ करके आज के दिन चली गई। आज ही के दिन वो दिन है कि जीवन के सबसे काला दिन कहा जाता है, उन्हें हम लोगों की ज़िंदगी की सबसे बुरे दिन था, क्योंकि किसी के भी माँ जब बिछड़ती है तो वो दिन सबसे बुरा दिन होता है उसके। और आज माता जी के हम लोग याद करते हैं और भगवान भोलेनाथ के रुद्राभिषेक करते हैं कि जीवन में फिर वैसा दिन ना आए कि वैसे प्रिय लोग बिछड़े ना, सब लोग स्वस्थ रहे, सब लोग समृद्ध रहे, सब लोग खुशहाल रहे, और ऐसा दिन फिर ना आए हम लोगों के जीवन में। वो एक ही लोग कर सकता है, देवादिदेव महादेव, उनके हम लोग रुद्राभिषेक करके, महादेव की रुद्राभिषेक करते हैं और सबको स्वस्थ रहने की कामना करते हैं कि हम लोगों से जो लोग जुड़े हैं, हमारे क्षेत्र की जनता स्वस्थ रहें, हमारे क्षेत्र की जनता को भी ऐसा कभी दुख ना आए, इस तरह के कोई दुख ना आए, दुख दिन ना आए। और माता जी हमारी जो थी वो सबको अपने बेटे के जैसे मानती थी, लाड़ प्यार देती थी, और सब लोग भी अपने माँ के जैसे उनको भी लाड़ प्यार देता था। और माता जी की जो सोच थी कि बिहार के विकास और देश के विकास की जो सोच थी उनकी, उन्हीं का सोच का प्रतिफल है कि आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के गद्दी पर बैठ करके लोगों को उनके सोच के अनुसार कार्य कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। आज पूरे भारतवर्ष में सेवा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी जनता चाह रही कि भारत को भी सेवा करें। हम लोग चाहते हैं जैसे बिहार में शांति, अमन, चैन और विकास की धारा चल रही है, उस तरह से ही पूरे भारत में शांति और अमन चैन कायम हो और पूरे भारत में विकास हो। उनकी सोच थी, मेरी माँ को सोच थी, इसलिए उस सोच का प्रतिफल है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आज के समय में बहुत कम देखा जाता है कि कोई बेटा अपनी माँ और पिता के लिए मंदिर बनवाए और उसकी प्रतिमा स्थापना करे, ऐसे में आपके दिल में ऐसा क्या था कि सभी नौजवानों को, सभी लोगों को, देशवासियों को कहेंगे कि दुनिया में माँ से और पिता से बढ़कर के कोई नहीं होता। इस धरती पर, इस धरा पर लाने वाला एक ही व्यक्ति वो माँ और पिता होते हैं। किसी के जीवन को देना माता और पिता का काम है, और उस जीवन को संवारना बनाना भी माता पिता का काम है, तो उससे बड़ा कौन है इस दुनिया में। जो माँ के चरण में झुकता है, जो माता और पिता के चरण में अपने सर को झुकाता है, उसकी सर कहीं नहीं झुकती। मैं तो कहता हूँ कि माता और पिता के आशीर्वाद मिले तो वह व्यक्ति कहीं नहीं झुकेगा। इसलिए सभी लोगों को मैं कहूँगा कि रोज़ सुबह शाम अपने माता के चरणों में सर झुकाएं, नमन करें, आप कभी, आपको कहीं सर झुकाना नहीं पड़ेगा जो माता पिता के चरण में सर झुकाएगा। और माता पिता से बढ़कर के दुनिया में कोई नहीं है। हम लोगों ने महसूस किया है, औरों को भी मैं कहता हूँ कि आप सब माता और पिता के चरण में अपना नमन करें, आप कभी दुखी नहीं होइएगा, जीवन भर खुशहाल रहिए। माँ के 12वीं पुण्यतिथि पे हम लोग सभी श्रद्धांजलि अर्पित करके उनको याद कर रहे हैं आज के दिन। और इनके बारे में जितनी बातें मैं जानता हूँ और जितना बोलूँ वो कम है, क्योंकि इनके नाम में ही जग समा जाता है, जग मातो देवी। आप
जानते होंगे सभी लोग जो यहाँ पे इनका प्यार दुलार पाए हैं सभी जनता, आज इनसे आज भी जुड़े हुए हैं सभी लोग इनके प्यार के वजह से। और मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि ये वाकई में बिहार की मदर ऑफ बिहार, आपने सन ऑफ बिहार सुना होगा लेकिन मैं इनको मानता हूँ मदर ऑफ बिहार, लौह माता जगमातो देवी। और स्वयं उस समय का जो दौर था काफ़ी जो आप सब लोग जानते होंगे, उस दौर में माता जी दादी माँ हमारे उस समय निडर होके सब सारा चीज़ मतलब संभाली, वो चीज़ घर परिवार सब कुछ लेकर। और मैं वही कहना चाहूँगा कि वाकई में ये मदर ऑफ बिहार कह रहा है। आज अपनी दादी माँ को कुछ ज़्यादा ही मिस कर रहे हैं? मैं सबसे बड़ा पोता होने के नाते मुझे सबसे ज़्यादा प्यार दुलार मिला है उनसे, और प्यारी दुलार क्या उनसे डांट और फटकारे भी मिली हैं जब मैं गलतियाँ करता था, तो उस चीज़ की कमी आज भी मुझे खलती है कि काश वो आज हमारे साथ रहती तो सभी हमारे जितने भी छोटे भाई बहन आज उनका प्यार दुलार नहीं पाए हैं उनको भी ये अवसर प्राप्त होता। लौह माता जगमातो देवी के पुण्यतिथि पर उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और लौह माता ने रघुनाथपुर धुरमदा के जनता के सेवा किया और बहुत अच्छा सेवा किया। मुझे भी 2005 में उनके साथ में काम करने का मौका मिला। वो विकास के हित में कार्य करती थी और सबको लेकर साथ में चलती थी। काफ़ी अच्छा लगा और जितना दिन रहे वो अच्छा जनता के हित में सेवा किया। उनके चरणों में पुनः एक बार मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ।